हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं अमित वर्मा यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ iPhone 13 Pro Max के बारे में। दोस्तों सबसे पहले ये बता दूँ, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है क्योंकि मेरा iPhone डिलीवर होने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और मैं बस एक दिन जो है इसको प्रेडर करने में लेट हुआ और इन्होंने भैया एक महीने की जो है बिल्कुल डेट आगे को बढ़ा दी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ iPhone 13 Pro Max यानी इसी डिवाइस के बारे में। साथ में करते हैं इसके अनबॉक्सिंग, देखते हैं बॉक्स कंटेंट क्या क्या है, साथ में इसके सभी स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम बातचीत आज करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों एक रिव्यू वीडियो ये नहीं है, अगर आपको रिव्यू वीडियो चाहिए या मैं खासकर सोच रहा हूँ कि इसके एक रिव्यू वीडियो भी बनाऊँ तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में जो है बता देना। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों अगर आपसे बात करूँ मैं इसमें अनबॉक्सिंग में बॉक्स कंटेंट की, तो अनबॉक्सिंग बहुत ज़्यादा मतलब सिंपल सी है। बस आपको इसके बॉक्स के ऊपर प्लास्टिक का रैप जो है आप कैसी इस बार जो है नहीं देखने को मिलेगा, आपको सिर्फ इसमें दो पुल टेप मिलेंगे और बस उन्हें पुल कीजिए, आपका डब्बा जो है सील पैक से मतलब ख़त्म हो जाएगा, सील पैक नहीं रहेगा। ढक्कन को पुल करते ही सबसे पहले आपको मिलता है आपको iPhone 13 Pro Max, उसके बाद आपको उसको iPhone 13 Pro Max को पुल करने के बाद आपको इसकी कुछ मिलती हैं मैनुअल गाइड्स वगैरह जो कि मतलब किसी काम में जो नहीं आती हैं। साथ में एक लाइटनिंग टू टाइप सी केबल जो है मिल जाती है हमको फाइनली देखने को। बाकी आपको इसमें चार्जर वगैरह देखने को कभी भी जो है एप्पल की तरफ से अब नहीं मिलता है। दोस्तों यार ये तो बात हो गई अनबॉक्सिंग की। अगर आपसे बात करता हूँ मैं इसमें फिजिकल ओवरव्यू की, तो सबसे पहले अगर आपसे बात करूँ मैं इसमें डिस्प्ले के साइज़ की, तो आपको मिल जाता है 6.7 इंच का डिस्प्ले का साइज़। साथ में राइट साइड में आपको मिलता है एक पावर लॉक अनलॉक और सीरी बटन, और लेफ्ट साइड में आपको मिलता है एक अलर्ट स्लाइडर, साथ में उसमें नीचे की तरफ दो वॉल्यूम बटन्स और इसके बीच में थोड़ा सा और नीचे की तरफ एक सिम ट्रे जो है देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको इसमें मिलता है स्पीकर के पोर्ट, साथ में एक लाइटनिंग पोर्ट जो है देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं मिलता है, नीट एंड क्लीन है। पीछे की तरफ आपको इसमें तीन कैमरास जो है देखने को मिलते हैं, साथ में एक लाइडर स्कैनर, साथ में एक माइक्रोफोन और साथ में एक LED फ्लैश जो है देखने को मिल जाती है। साथ में कलर की अगर आपसे बात करूँ तो मैंने जो सेलेक्ट किया अपने लिए एक सीरा ब्लू कलर जो है सेलेक्ट किया है, और मुझे मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतरीन इसका सबसे अच्छा कलर जो है माना गया है और मैंने ये अपने लिए जो है भाई फाइनली परचेस कर लिया और इसको आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। दोस्तों सामने की तरफ डिस्प्ले में आपको एक नोच मिल जाएगी। अब नोच जो है ये थोड़ी सी जो है लगभग 20% इन्होंने कहा है छोटी हो गई है, और हाँ भाई अब देखो नोच मिलेगी, साथ में ये छोटी नोच है। मैं iPhone 12 Pro Max जो यूज़ करता था उससे थोड़ी सी छोटी आपको नोच जो है देखने को मिल जाती है। अब इसमें ये भी है कि ये पहले ईयरपीस जो था नोच के अंदर था, लेकिन अब जो है टॉप ऑफ द नोच जो है पहुंच गया है बिल्कुल नोच के ऊपर, यानी कि इसके फ्रेम के पास जो है पहुंच गया है। पहले थोड़ी सी नोच के अंदर था जो अच्छा इतना नहीं लगता था, लेकिन हम फिर भी जो है तारीफ़ करते थे, लेकिन अब जो ऊपर की तरफ पहुँच गया है और ये अब बहुत अच्छा जो है लगता है, बिल्कुल मैच मेकिंग जो है हो गया है। नोच के अंदर आपको एक कैमरा मिलता है जो कि फ्रंट फेसिंग कैमरा जो है कहलाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। दोस्तों अगर आपसे बात करूँ इसमें डिस्प्ले के साइज़ की, तो आपको मिलती है 6.7 इंच की OLED HDR डिस्प्ले जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, जिसकी अगर आपसे बात करूँ मैं इसमें ब्राइटनेस की, तो 1000 निट्स की आपको इसमें ब्राइटनेस मिलती है। साथ में पीक ब्राइटनेस की अगर आपसे बात करूँ तो 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। पीक मैंने आपको पीक ब्राइटनेस क्या होता है ये अभी आईपैड के रिव्यू में ही बताया था कि जितने ज़्यादा पीक ब्राइटनेस होती है आपकी डिस्प्ले उतनी ही ज़्यादा ब्राइट होती है, और आप ब्राइटर सनलाइट में भी आपके कंटेंट की विजिबिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से जो है एंजॉय कर सकते हैं। साथ में 1200 निट्स आईफोन की ब्राइटनेस होना काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमको बहुत बड़ी डिस्प्ले जो है देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ एक 6.7 इंच या फिर 5 इंच के डिस्प्ले में 1200 निट्स होना ये काफ़ी अच्छी बात है, और आपकी डिस्प्ले की क्वालिटी इसमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है। काफ़ी अच्छी का मतलब ये है कि आपको जो 12 Pro Max की तरह ही इसमें भी डिस्प्ले बिल्कुल सेम जो है देखने को मिल जाती है, लेकिन डिस्प्ले के साथ में आपको मिलता है इसमें प्रोमोशन। आपको प्रो आईफोन्स में जो है प्रोमोशन जो है देखने को मिल जाएगा। प्रो आईफोन्स का मतलब ये है कि आपको iPhone 13 Pro और 13 Pro Max में प्रोमोशन यानी कि 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट जो है देखने को मिलता है। दोस्तों 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलना ये काफ़ी अच्छी बात है एक आईफोन में, लेकिन मेरी थोड़ी सी एक शिकायत बस इतनी है कि iPhone 13 और 13 mini में भी 120 हर्ट्ज का जो है रिफ्रेश रेट जो है मिलना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जब आप एक एप्पल का डिवाइस लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है पे करना पड़ता है उस डिवाइस के लिए, और आपको जो है जो फीचर्स आप चाहते हैं वो आपको प्रो आईफोन्स में यानी बहुत ज़्यादा ऊंचे पैसों में जो है देखने को मिलते हैं, तो ये थोड़ी सी मतलब गलत चीज़ जो है निकल कर आती है। और मैं एक्सपेक्ट करता रहा था कि भाई 120 हर्ट्ज़ तो मिलने वाला था, ये हमें लीक पहले ही कन्फर्म हो गई थी, लेकिन प्रो आईफोन्स में मिलने वाला था ये लीक कन्फर्म नहीं हुई, और
प्रो आईफोन में मिलने एक 128 काफी अच्छी बात है, लेकिन बेस मॉडल्स में भी मिलना चाहिए था। दोस्तों अगर आपसे थोड़ी सी मैं डीपली बात करूं इसके प्रोमोशन की, तो ये प्रोमोशन जो है इसका 120Hz जो स्क्रीन की स्मूथनेस है, मैंने अभी तक तो काफ़ी सारे स्मार्टफोन जो है यूज़ किए हैं जिसमें 120Hz का और 90Hz का रिफ्रेश रेट है, लेकिन जब मैं ये डिवाइस यूज़ किया तो इसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा मेरे को अलग नज़र आया। मतलब और मोबाइल से और स्मार्टफोन्स के 120Hz और इसके 120Hz रिफ्रेश रेट में थोड़ा सा मेरे को अंतर लगा। दोस्तों मैंने ROG भी यूज़ किया है, साथ में OnePlus भी यूज़ किया, साथ में Samsung भी यूज़ किया, इन तीनों डिवाइस को मैं यूज़ कर चुका हूँ जिनका हायर रिफ्रेश रेट है, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंस है, इसका काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और मतलब एक बार यूज़ करने में थोड़ा मतलब थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा मज़ा जो है आता है। बाकी आपको रिव्यू वीडियो में इसका भी पूरी तरीके से एग्जांपल मैं दे दूंगा। वहीं दोस्तों अगर आपसे बात करूं मैं इसके प्रोसेसर की, तो जो हर साल एक नया अपग्रेड होता है एप्पल की तरफ से, आपको इस साल भी इसमें देखने को मिलता है एप्पल A15 बायोनिक, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, साथ में 120Hz के साथ तो इसको यूज़ करने में मज़ा ही आ रहा है। बाकी मैं आपको इसके बारे में रिव्यू वीडियो में बिल्कुल क्लियर इसके बारे में भी बता दूंगा। दोस्तों अगर आपसे बात करूं मैं इसमें कैमरे की, तो आपको पीछे की तरफ आपको इसमें तीन कैमरे जो है देखने को मिल जाएंगे, 12MP प्लस 12MP प्लस 12MP। अगर आपसे बात करूं मैं पहले वाले कैमरे की यानी जो टेलीफोटो है उसके एपर्चर की, तो वो मिलता है F2.8 का, दूसरे वाले कैमरे में मिलता है जो कि वाइड है उसका 1.5 का, और तीसरा वाला जो इसका अल्ट्रा वाइड है उसमें आपको एपर्चर मिलता है F1.8 का। दोस्तों इसमें जो है ये टेलीफोटो लेंस जो है इसका 3x तक ऑप्टिकल जूम के साथ में आता है, लेकिन आप डिजिटल जूम की हेल्प से आप उसको 15x तक जो है जूम कर सकते हैं, और सैंपल्स तो आप स्क्रीन पर इस समय देख ही रहे हैं, लेकिन जो इसका 15x जूम है जहां तक आप इसको कर सकते हैं, और जो जूम की विजिबिलिटी है ये फिर भी कुछ हद तक मतलब काफ़ी अच्छी जो है आपको देखने को मिल जाती है। बाकी इसके कैमरे A1 जो निकल कर आते हैं, साथ में आपको इसमें मैक्रो फोटोग्राफी का जो ऑप्शन मिल जाता है, और मैक्रो फोटोग्राफी इस वाले आईफोन की यानी आईफोन 13 प्रो मैक्स की मैंने अभी तक तो यूज़ की है काफ़ी, लेकिन बहुत अच्छी जो निकल कर आती है, मुझे एकदम से बिल्कुल बढ़िया बढ़िया मैक्रो फोटोग्राफी इसकी जो लगी। बाकी स्क्रीन पर आप जितने भी सैंपल्स देख रहे हैं ये कुछ इसके वाइड्स हैं, कुछ अल्ट्रा वाइड से शॉट्स लिए हुए हैं, कुछ पिक्चर जो हैं इसके टेलीफोटो से क्लिक हुई हैं, आप थोड़ा सा अंतर जो है पता लगा ही पा रहे होंगे। बाकी आपको रिव्यू वीडियो में इसका भी थोड़ा सा और डीपली हम जो है बात कर लेंगे। अगर आपसे बात करूं मैं वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो ये 4K 60 फ्रेम पर सेकंड में जो है वीडियो रिकॉर्ड करता है, लेकिन आपको इसमें कुछ और ऑप्शंस भी जो है देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सिनेमाटोग्राफी ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। सिनेमाटोग्राफी मोड क्या होता है कि आप जो फोकस को एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब एक जैसे मूवी बनती है वो आईफोन से ही एक मूवी जो है बना सकते हैं, इन्होंने एड में तो यही दिखाया था। सिनेमाटोग्राफी मोड जो है इसका काफ़ी अच्छा जो है निकल कर आता है, आप जो है लाइव फोकस एडजस्ट कर सकते हैं या फिर फोकस ट्रैकिंग कर सकते हैं, और भी मतलब काफ़ी सारे फीचर्स जो आपको सिनेमाटोग्राफी मोड में जो है देखने को मिल जाएंगे अगर आप परचेस करते हैं, तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा जो ऑप्शंस हो सकते हैं आपको, फीचर्स बंडल पैक ये हो सकता है अगर आप एक नया आईफोन परचेस करने की सोच रहे हो। तो साथ में आपको इसमें मिलता है प्रो रेज। दोस्तों ये प्रो रेज जो आया है इसका iOS 15.1 सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ में आया है, बस ये इसका अपडेट जो है कल परसों ही आया है, और मैं अभी जो इसको यूज़ कर रहा हूँ धीरे धीरे, आपको मैं रिव्यू वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा डीपली हम जो है बात कर लेंगे। अगर आपसे बात करूँ मैं इसमें फ्रंट कैमरे की, तो वो मिलता है आपको 12 मेगापिक्सल का, जिसका एपर्चर है F2.2 का, साथ में जो कैमरा सैंपल्स आप देख रहे हैं और जो इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो भी मतलब काफ़ी अच्छी पिक्चर जो है क्लिक करता है। साथ में दोस्तों यार जैसे आप सैंपल्स देख रहे हैं वो मतलब सैंपल्स वीडियो में देखना और सैंपल्स जो रियल लाइफ में देखना फ़ोन के अंदर फोटो खींचने के बाद थोड़ा सा मतलब डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जिस हद तक हम जानना चाहें उस हद तक हम जान सकते हैं सैंपल्स देखकर वीडियो में या फिर अपने फ़ोन में। अगर आपसे बात करूं मैं इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी की, तो ये भी जो है 4K तक रिकॉर्ड करता है, जो कि आती है 60 फ्रेम पर सेकंड तक जो है ये भी 4K में वीडियो जो है रिकॉर्ड करता है इसका फ्रंट वाला कैमरा भी। अगर आपसे बात करूं मैं इसमें बैटरी की, तो बैटरी मिलती है आपको 4352 mAh की। हाँ बैटरी इसकी बहुत अच्छी जो है चलती है, मैंने आईफोन 12 प्रो मैक्स से जो है रिप्लेस किया है ये फ़ोन, अपग्रेड किया है, और
बैटरी में मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट जो है इसमें अच्छा सपोर्ट जो है देखने को मिल रहा है। एप्पल बोलता है कि 2.5 घंटा ज़्यादा मिलती है, अब मैं कहूँगा 2.5 नहीं तो लगभग 2 घंटा 1.5 घंटा या फिर 2.25 घंटा आपको इसमें बैटरी ज़्यादा जो है देखने को मिल जाती है आपके ओल्डर आईफोन से। दोस्तों लास्ट में निकल कर आती है इसकी प्राइस। अगर आपसे बात करूँ मैं इसमें स्टार्टिंग प्राइस की जो कि आती है आईफोन 13 प्रो मैक्स की, तो मिलती है आपको 1,29,900 रुपये, ये इसकी स्टार्टिंग प्राइस है। सेम प्राइस में ही आपका जो आपको आईफोन 12 प्रो मैक्स मिला था जब ये स्टार्टिंग में आया था, और सेम प्राइस में ही आपको जो मिलता है आईफोन 13 प्रो मैक्स मिलता है। तो ये मतलब ये तो अच्छी बात है कि यार इन्होंने प्राइस इंक्रीज वगैरह नहीं की है, लेकिन आपको इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है नहीं देखने को मिलता है सिवाय कुछ मॉड्स के, जैसे कि प्रोमोशन। और मेरे ख्याल से प्रोमोशन ही एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है, या फिर मैक्रो मोड आप कह सकते हैं, कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसमें आप अपग्रेड करने की जो है सोच रहे हैं। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप क्या सोचते हैं और क्या आपको अपग्रेड करना है अपने ओल्डर आईफोन से आईफोन 13 प्रो मैक्स में। तो दोस्तों बस यही था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, साथ में कमेंट बॉक्स में पूछना बताना बस, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपका दिल करे तो। बाकी बेल आइकन जो है वो भी प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर जो है सेट कर सकते हैं। तो सर बस यही था आज के इस वीडियो में। रिव्यू वीडियो बहुत जल्दी मैं लाने की जो है कोशिश करूँगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, वेरी सून इन द नेक्स्ट वन।